वहाँ पे पुलिस वगैरह है, जो कि पुलिस टाइप का बोट है, कोई गलत काम करेगा तो जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। इसमें थोड़ा सा मेडिसिन वगैरह बनता है तो जाकर मेडिसिन वगैरह में लगेगा। इसके अंदर चल के दिखाते हैं आप लोगों को फीस वगैरह। भैया मुझे थोड़ा सा हेल्प कर रहे हैं तो चलो चलते हैं अंदर। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। घर में बहुत सारा ध्यान रखते होंगे, घर लोगों का, आपका भी। चलो गाइस मिलते हैं आउटडोर में, बने रहिए वीडियो में। वीडियो ना आज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि गाइस आपकी रिकमेंड के हिसाब से व्लॉग बन रहा है। गाइस आप लोग बहुत ही ज्यादा कमेंट कर रहे थे कि भाई पारादीप जाओ पारादीप जाओ, आज फाइनली हम लोग आज जा रहे हैं पारादीप। बने रहिए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब के ऊपर क्या करना है मालूम नहीं सब्सक्राइब को किस करो, मुक्का मारो, लात मारो, कुछ भी करो, बस हो जाना चाहिए क्या भाई का चैनल सब्सक्राइब। बड़ा हरामी हो बेटा। चलो मिलते हैं आउटडोर में। तो गाइज फाइनली मैं अभी आके पहुंच चुका हूं पारादीप के पास में। देखिए मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं, बाकी रहा 27 किलोमीटर, मिलते हैं जाके पारादीप के अंदर। गाइज अभी टाइम हो चुका है 6:30, मैं सुबह सुबह घर से निकल चुका था, तो चलो मिलते हैं जाके। 6 months later। सो गाइज वेलकम टू पारादीप। तो चलो दिखाते हैं आप लोग को, बहुत ज्यादा कमेंट किए थे ना आप लोग, चलो आपके रिकमेंड हिसाब से वीडियो बन रहा है। यहीं से पारादीप स्टार्ट है, तो जाके हम लोग मिलते हैं पारादीप पोर्ट में अंदर। गाइज देखो यहाँ का पोल्यूशन ना बहुत ही गंदा है, दिल्ली का टाइप का है, यहाँ पे ज़्यादा डस्ट वगैरह होता है। गाइज यहाँ पे तो आप लोग स्पीड नहीं भगा सकते, रास्ता तो एकदम ख़राब है, पता चल गया होगा आपको वीडियो से, बहुत ही गंदा रास्ता है, उससे गंदा है यहाँ का पोल्यूशन। तो गाइज इसलिए तो मैं गाड़ी को वॉश नहीं किया था, जाएंगे तो घर पूरा गंदा हो जाएगा, शर्ट वगैरह भी धोना पड़ेगा जाकर। साला ये दुख का ख़त्म नहीं होता बे। 75 years later। So guys, हम लोग गेट के पास में आके पहुंच चुके हैं, आपको दिखाते हैं किस तरह से टलर वगैरह में मछली वगैरह को इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पे टिकट वगैरह लगेगा, ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे टिकट करके जाएंगे अंदर। So guys, यहाँ पे टिकट काउंटर है, आप लोग 500 रुपया दे के अंदर जा सकते हैं। यहाँ का टलर का प्राइस सुनकर ना आप लोग चौंक जाओगे, यहाँ का टलर का प्राइस है 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़, इस टाइप का। तो गाइज फाइनली मैं अभी पारादीप पोर्ट में आके पहुंच चुका हूँ, आप लोगों को सीनरी वगैरह दिख रहा होगा, तो चलो दिखाते हैं आप लोगों को किस तरह से यहाँ पे फिश वगैरह पकड़ते हैं और आउट ऑफ उड़ीसा को भेजते हैं और आउट ऑफ इंडिया से भी भेजते हैं। चलो दिखाते हैं आप लोग, बने रहिए वीडियो। वीडियो ना आज बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोग बहुत ही ज़्यादा कमेंट किए थे कि भाई आप जाके पारादीप में वीडियो बनाइए। गाइज आप लोग बोलो वीडियो ना आए, कभी हो नहीं सकता, जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप। देखो गाइज मेरा बैकग्राउंड में आप लोग को पता चल गया होगा, देखते हैं इस बोट में अलाउ करते हैं तो मैं आपको जाके डिटेल्स में बताऊंगा। सो गाइज पारादीप का लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, गूगल मैप, आप लोग आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। दिखाते हैं आप लोग को, बने रहिए वीडियो में। देखो गाइस बहुत ही ज़्यादा टलर है, टोटल 400 टलर है यहाँ पे। तो गाइस देखो ये आइस वगैरह को फिश में लगाने के लिए लेके जा रहे हैं। देखो गाइस इसको मछली वगैरह को लॉन्ग टर्म के लिए रखने के लिए यह आइस दिया जाता है गाइस। सो गाइस ये देखो कश्मीर हो गया उड़ीसा में, क्या बोला तूने? सो गाइस यहाँ तक डाल रहे हैं इसके अंदर, तो जाने के लिए कोई साधन नहीं है, तो नहीं तो मैं कूद जाता, पानी है, गिर जाऊंगा नीचे। देखो गाइस तो ये बर्फ वगैरह नीचे जाएगा, यहाँ पे जो ब्लैक ब्लैक टाइप का दिख रहा है इसके अंदर डाल रहे हैं, इसके अंदर फीस है। तो गाइस देखो ये सब गुजरात जाएगा आज, देखो ये गाड़ी में लोड हो रहा है अभी, इसको जूम करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखिए गाइस पता चल गया होगा अंदर तक बहुत सारा मछली ट्रे वगैरह है, और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ट्रे है। ये वाला रिबन फिश है बोलते हैं इसको, इसमें थोड़ा सा मेडिसिन वगैरह बनता है तो जाकर मेडिसिन वगैरह में लगेगा, इसके ऑयल निकल कर, पता नहीं किस मेडिसिन में लगता है, मगर मैं गूगल नहीं किया हूँ, मगर
इतना मालूम है कि इसको ऑयल वगैरह मेडिसिन वगैरह में होता है, मुझे लगता है ओमेगा 3 जो मेडिसिन लगता है ना इसमें लगता है शायद, पता नहीं इतना, मैं गूगल करके आप लोगों को कमेंट कर दूंगा। तो देखो गाइस, बाहर साइड से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ किस तरह से है। यहाँ पे चिमनी वगैरह है धुआं छोड़ने के लिए जो टलर का। तो यहाँ पे ड्राइवर सीट है, ये स्टीयरिंग, ये गियर है, ये ब्लैक वाला गियर है, ये है, ये एक्सीलेटर है। तो यहाँ पे कंपास, ये वाला कंपास है, जीपीएस, ये वाला जीपीएस है, फीस क्वार्टर है, ये फीस जो इसके अंदर रहता है ये मॉनिटर करने के लिए है। ये वाला का ये इंजन का रीडिंग बॉक्स, तो आप लोग को नजारा बस ये है, ये है माइक, वायरलेस माइक जो होता है ना वही है, दो वायरलेस माइक है। तो यहाँ पे भगवान जी विराजमान किए हुए हैं, बस यही है और कुछ नहीं। यहाँ पे सोने के लिए 4 बॉक्स दिया गया है। तो चलो दिखाते हैं आगे। तो अभी मछली वगैरह नहीं है इसके अंदर, मछली वगैरह होता तो बहुत ही अच्छा होता। यहाँ पे किचन रूम है छोटा सा, इसके अंदर चल के दिखाते हैं आप लोगों को फीस वगैरह। भैया मुझे थोड़ा सा हेल्प कर रहे हैं, तो चलो चलते हैं अंदर, अंदर जाके आपको दिखाते हैं। तो गाइस देखो, इसके अंदर एक बड़ा इंजन लगा हुआ है, इसके वजह से ये चल रहा है ट्रॉलर। तो गाइस ये वाला जो नेट है ना, नेट को ऊपर रखने के लिए थोड़ा सा ये वाला लगा जाता है, ये है लाइफ जैकेट, आप लोग को पता होगा देखने से, कोई दिक्कत नहीं। तो गाइस हम लोग इस ऊपर से आए हैं, नीचे तक सीढ़ी वगैरह है। ये भैया जी मुझे थोड़ा सा हेल्प किए तो अच्छा लगा मेरे को। इसके अंदर वाटर है जो कि पीने के लिए, इसके अंदर ऑयल है जो कि इसको चलाने के लिए ट्रॉलर को। अंदर शायद जा सकते हैं, आप लोग को दिखाते हैं जाके उसके पास में। वीडियो बनाने के लिए गाइस बहुत ही मेहनत करना पड़ता है, आप लोग को 10-15 मिनट वीडियो लगता है, मगर बहुत ही मेहनत करना पड़ता है, 15 दिन 16 दिन तक लगना पड़ता है एक वीडियो में। गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। तो गाइस मैं तो आपको ये टलर दिखा चुका हूँ, ये खाली टलर है, मछली वगैरह सेल करके आ चुके हैं। तो गाइस चलो दिखाते हैं किसके अंदर मछली वगैरह होगा, तो आप लोगों को अच्छे से पता चल जाएगा किस तरह से मछली वगैरह को स्टोर किया जाता है 1-2 महीना तक। चलो दिखाते हैं, मैंने ये वीडियो आज बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलो चलते हैं दूसरी टलर पे। तो गाइस देखो ये एम्बुलेंस है, इसका तबीयत खराब है शायद, ये बोटिंग के अंदर जो बोटिंग करते हैं इनका कोई तबीयत खराब होगा तो ये इस टाइप का एम्बुलेंस रहता है। वहाँ पे पुलिस वगैरह है जो कि पुलिस टाइप का बोट है, कोई गलत काम करेगा तो जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। चलो चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं गाइस। तो गाइस देख लो ये वाला डीजल है इंडियन ऑयल का, आगे भी है यहाँ पे एक है, तो ये सब ना टॉलर के अंदर जाता है डीजल। तो गाइस देख लीजिए यहाँ पे पानी वगैरह जाएगा इस गाड़ी में जाके टॉलर के अंदर एंटर होगा। तो देखिए भाई अभी लोड कर रहे हैं, तो इसके अंदर पानी के अंदर डालेंगे पाइप को, उसके बाद पानी जाएगा पीने के लिए, खाने के लिए और नहाने के लिए। लोग आना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आके चेकआउट कर सकते हैं गाइस। देख लीजिए तो चलो चलते हैं। सो गाइज कोई भी अलाउ नहीं कर रहा है जिसके अंदर फीस वगैरह है, तो क्या करें यार, उनका मर्जी ना, हम लोग क्या कर सकते हैं, बस हम लोग उनको तो रिक्वेस्टिंग कर सकते हैं। गाइज मुझे माफ़ कर देना, चलो चलते हैं सी बीच, आप लोग को दिखाएंगे बहुत ही अच्छा अच्छा प्लेस आप लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा।